विदेशी बाजारों में गिरावट के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में मंगलवार को तेल तिलहनों के भाव में सुधार का रुख दिखाई दिया। सरसों तेल तिलहन के भाव में पर्याप्त सुधार आया, जबकि सोयाबीन तेल और बिनौला तेल की कीमतों में गिरावट रही। बाकी तेल तिलहनों के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। बाजार सूत्रों का कहना है कि मलेशिया एक्सचेंज आज और बुधवार बंद है, जबकि शिकागो एक्सचेंज थोड़ी कमजोरी के साथ रहा था। सूत्रों ने कहा है कि अभी सरकार की ओर से सहकारी संस्था हैफेड और नैफेड के पास सरसों का खरीद स्टॉक रहा होता तो आज ऐसी दिक्कत नहीं आती। इस साल सरकार को बाजार भाव से सरसों की खरीद करने के बारे में विशेष रूप से ध्यान देना होगा। विदेशों में मंदी से सोयाबीन के तेल में गिरावट आई है। दूसरी ओर मूंगफली का तेल स्थिर रहने से बिनौला तेल की कीमतों में गिरावट रही, क्योंकि रिफाइंड होने के बाद बिनौला तेल का भाव मूंगफली के लगभग बराबर ही बैठता है, इसलिए बिनौला तेल की मांग कम ही है। वहीं मलेशिया में छुट्टी के कारण सीपीओ और पामोनिल तेल की कीमत पूर्व स्तर पर रही। बाकी तेल तिलहन भी पूर्व स्तर पर बंद हुए। सामान्य कारोबार के बीच बाकी तेल तिलहन के भाव स्थिर पर बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।